हाय हाय पहचाना, कल रात को आपके डांसिंग स्कूल में मुलाकात हुई थी मुझसे, रिमेम्बर? यस, आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। जी नहीं। कोई बात नहीं, एक्चुअली आप डांस काफी अच्छा कर लेती हैं। थैंक यू। वो क्या है कि मैं म्यूजिकल शोज करता हूँ और एक खास किस्म के रोल के लिए मुझे एक खास किस्म की डांसर की तलाश है। आपको कल रात को डांस करते हुए देखा तो मुझे लगा कि आप वो रोल अच्छी तरह से कर सकती हैं। तो क्या लगता है आपको, आप करना चाहेंगी? जी नहीं। मर गया राहुल। साहब तरबूज। अरे यार, यहाँ मेरे करियर का सवाल है और मुझे तरबूज की पड़ी, ये पकड़िए तरबूज। एक्सक्यूज मी, आप शायद गलत समझ रही हैं। जिन शोज की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कोई ऐसे वैसे शोज नहीं है। मैं यहाँ हूँ, बहुत ही ऊंचे लेवल के शोज हैं और इन्हें बहुत ही अच्छे और ऊंचे लोग देखने के लिए आते हैं और मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत मजा आएगा। आप एक बार ट्राई तो करके देखिए ना, मेरे लिए नहीं, फॉर द सेक ऑफ आर्ट। देखिए, मैं डांसर शौक के लिए करती हूँ। दैट्स रियली गुड। स्टेज पर लोगों के सामने डांस करने से मुझे बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। नो नो, आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम, जस्ट टेक थ्री। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। देखिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। डांस करते हुए मेरी लीड डांसर का पैर फ्रैक्चर हो गया है और मैंने शो के सारे पैसे ले लिए हैं। अब अगर शो नहीं हुआ तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन मेरी बेइज्जती भी बहुत होगी। देखिए, एक मिनट, आप एक बार रिहर्सल पर आ जाइए और उसके बाद अगर आपके मन में ना आए तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लेकिन एक बार प्लीज एक बार रिहर्सल पर आ जाइए प्लीज। देखिए, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज किसी और को ले लीजिए ना, प्लीज। आई बेग ऑफ यू प्लीज। अरे क्या कर रहे हो? देखिए, आप मुझे नहीं जानती, मैं बहुत ही जिद्दी किस्म का पागल आदमी हूं। नहीं, जब तक आप हां नहीं कहेंगे मैं ऐसे नहीं उठूंगा। देखिए, एक बार आप रिहर्सल पे आ जाइए, उसके बाद मत आइएगा। देखिए प्लीज प्लीज आ जाइए, एक बार आ जाइए प्लीज, एक बार रिहर्सल पे आ जाइए। आप आएंगी? प्रॉमिस। कब? कल। कितने बजे? 2 बजे। आप 1 बजे नहीं आ सकती? ठीक है, 1 बजे आ जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल दिस। आपको मालूम है ना कि आपका डांसिंग स्कूल हमारे रिहर्सल हॉल के बिल्कुल साथ में ही है। मैं जानती हूं, हम पड़ोसी हैं वैसे। मैं जानती हूं। थैंक यू वेरी मच। मैम, आप पक्का आएंगी ना? या आएंगी मैम? बोलिए, आपके लिए। यस। पागल है। वो मेरी नहीं, वो मेरी है, वो मेरी नहीं है, 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 वो मेरी है। कल रात क्या हुआ राज? कल रात वही हुआ सिमरन जो होना चाहिए था, मगर इस तरह होगा मुझे मालूम नहीं था। ठीक ठीक बताओ राज, कल रात क्या हुआ? इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं सिमरन? देखो मेरी आंखों में, देखो क्या मेरी आंखें सब सच सच नहीं कह रही? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है सिमरन, ऐसा ही हुआ है। अब होनी को कौन टाल सकता है सिमरन? तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं सिमरन, प्लीज बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरी आंखें झूठ बोल रही हैं, पर क्या ये प्यार के निशान भी झूठ बोल रहे हैं? बोलो सिमरन, ये तुम्हारे हैं कि
सिमरन 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 प्लीज रोना मत सिमरन, मैं मजाक कर रहा था सिमरन सिमरन, ये असली नहीं है, ये देखो ये तुम्हारे लिपस्टिक यूज किए मैंने यहाँ पर सिमरन सिमरन प्लीज। अरे यार तुम सिमरन सिमरन, कल रात को तुमने कोनिया ज्यादा पी थी सिमरन, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे सिमरन, मेरे पास कोई और चारा नहीं था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। आई स्वेयर मैं मजाक कर रहा था सिमरन, तुम यहाँ बिस्तर पे सोई थी और मैं वहाँ अकेला सोया था सिमरन, मैं मजाक कर रहा था। आई स्वेयर प्लीज रोना मत सिमरन, रोना मत सिमरन सिमरन, लिसन टू मी सिमरन, लिसन टू मी। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम समझती हो कि मैं एक बहुत ही घटिया किस्म का आवारा लड़का हूं, पर मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं सिमरन, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मैं जानता हूं कि एक हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत क्या होती है। मैं सपने में भी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मेरा यकीन मानो सिमरन, मैं सच कह रहा हूं, कल रात कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ एक मजाक था, बिलीव मी। प्लीज ऐसा मजाक मत करना, तुम नहीं जानते मैं क्या कर बैठती, प्लीज ऐसा मजाक कभी मत करना। I'm sorry, Simran, I'm sorry, मैं वादा करता हूं मैं ऐसा मजाक फिर नहीं करूंगा। मैं बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ और सीधी बात समझता हूँ। ये पहली बार बाबूजी और माती की वजह से टेढ़ा सोचने लग गया, पूरा रास्ता यही सोचता रहा कि किसी तरह मैं आपको यहाँ पर रोक लूँ, आपको जाने ना दूँ, और आपसे कह दूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, और कहीं मैं भी आपको कुछ ठीक ठाक लगता हूँ तो हम दोनों शादी कर लें। ये जिंदगी इन्हीं पिछले दो दिनों की तरह हंसते खेलते कट जाएगी, पर ये ऊपर वाला भी अजीब, पूरा रास्ता मेरा हौसला बढ़ा दे रहा, यहां पहुंचते ही कहानी बदल दी। आप सोच रही होंगी कि अब मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूं, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं जानता हूँ आप किसी और की अमानत है, और ना तो हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता है, ना ही ऐसा कोई रिश्ता होगा, लेकिन कभी भी कहीं भी एक दोस्त की जरूरत पड़े तो याद रखिएगा कि शरद पार एक ऐसा शख्स है जो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। जी तानी पार्टनर, रब दी सौ, सच्चा लव है। जी, मैं ठहरा जट आदमी, दिल की बात बोलने जाता तो जरूर कुछ उल्टा ही निकलता, तो इसलिए सोचा जी कि सारे अमृतसर से ही बुलवा दूं जी। हैं जी।